Today we'll study about morphology of leaf. Shoot system का एक important component होता है leaf. Leaf is flat green portion of the plant. Flat green portion which mainly carries out two important function. One is photosynthesis, second is transpiration and gaseous exchange for the plant. So leaf के basic characteristics क्या है? सबसे पहला फ्लैट फ्लैटेंड ग्रीन पोर्शन फ्लैटेंड ग्रीन पोर्शन ऑफ द प्लांट दैट इज कॉल्ड लीव्स. ग्रोथ डिटर्मिनेंट होती है. लीफ की ग्रोथ इनडेफिनाइट नहीं होती. लीफ की ग्रोथ डिटर्मिनेंट होती है. एक पर्टिकुलर साइज अटेंड करने के बाद लीफ की ग्रोथ स्टॉप हो जाती है. लीफ हमेशा नोड से डेवलप होते हैं. स्टेम के जिस पॉइंट से लीफ का डेवलपमेंट होता है उस पॉइंट को नोड कहा जाता है. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप्स फ्रॉम From node of stem. Leaf का development हमेशा stem के nodal region से होता है. यानी if this is stem, stem के जिस point से leaf का development होगा, अगर ये एक leaf develop हो रही है तो इस point को node कहा जाएगा. एक node से एक leaf का production हो सकता है towards one side, और two leaves may develop from same node. एक ही नोड से दो लीफ का डेवलपमेंट या दो से ज्यादा लीफ का डेवलपमेंट या एक ही लीफ का डेवलपमेंट. द पॉइंट ऑन स्टेम फ्रॉम वेयर लीफ डेवलप्स इज नोन एज नोड. लीफ और स्टेम के बीच में जो एंगल बनता है इस एंगल को एक्सिल कहा जाता है. सो नेक्स्ट पॉइंट एक्सिलरी बर्ड develops from axil of leaf. Leaf और stem के बीच का ये जो angle है इस angle को axil कहा जाएगा. और इस axil से जो outgrowth develop होगी bud develop होगी that bud is known as axillary bud. So nodal region से leaf का development और लीफ एक्सिल से एक्सिलरी बर्ड का प्रोडक्शन होता है. ठीक है. लीफ हमेशा लीफ प्राइमोर्डिया से डेवलप होती है और इसके एपेक्स पे कभी भी टर्मिनल बर्ड का प्रोडक्शन नहीं होता. नेक्स्ट पॉइंट लीफ डेवलप्स डेवलप्स फ्रॉम लीफ प्राइमोर्डिया leaf develops from leaf primordia. Terminal bud is absent on leaf apex. Leaf ka development hamesha leaf primordia se hoga. और लीफ एपेक्स पे टर्मिनल बर्ड एब्सेंट होती है. टर्मिनल बर्ड इज एब्सेंट ऑन लीफ एपेक्स. लीफ के इंपॉर्टेंट फंक्शंस मेन साइट ऑफ main site of photosynthesis. Transpiration occurs
लीफ, प्रेजेंट ऑन लीफ। लीफ का मेन फंक्शन फोटोसिंथेसिस, ग्रीन कलर्ड पोर्शन ऑफ प्लांट विच मेनली कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस। ट्रांसपिरेशन अकर्स फ्रॉम स्टोमाटा प्रेजेंट ऑन लीफ। लीफ पर जो स्टोमाटा प्रेजेंट है उससे ट्रांसपिरेशन होता है। स्टोमाटा ऑल्सो कैरीज आउट गैशियस एक्सचेंज। जब स्टोमाटा खुले होते हैं तब प्लांट का गैशियस एक्सचेंज आकर करता है। सो नेक्स्ट, स्टोमाटा कैरीज आउट गैशियस एक्सचेंज। स्टोमाटा से गैशियस एक्सचेंज आकर करता है। सो दीज आर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीफ। अब टाइप्स ऑफ लीफ पढ़ेंगे। सबसे पहला टाइप है ऑफ लीफ इज कॉटिलेडनरी लीफ। कॉटिलेडनरी लीफ क्या है? सीड के जर्मिनेशन के वक्त जो एम्ब्रियोनिक लीव्स डेवलप होती हैं, उन्हें कॉटिलेडनरी लीव्स कहा जाता है। लीफ, फर्स्ट लीफ डेवलपिंग ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ सीड, दैट इज नोन एज कॉटिलेडनरी लीफ। सेकेंड होती है स्केल लीफ। कुछ प्लांट्स में ड्राई मेम्ब्रेनस लीव्स आर प्रेजेंट। ये ड्राई मेम्ब्रेनस लीव्स स्केल लीव्स कहलाती है। सबसे सिंपल एग्जांपल अगर देखें अपन तो अनियन में जो बाहर वाले ड्राई मेम्ब्रेनस पील्स होते हैं वो स्केल लीफ है। जिंजर में लास्ट क्लास पढ़ा था अपन ने, स्केल लीफ आकर करती है। और बहुत सारे प्लांट्स में लीव्स आर रिड्यूस्ड इनटू वेरी स्मॉल ब्राउन पेपरी ड्राई स्ट्रक्चर, दे आर नोन एज स्केल लीव्स। स्केल लीव्स, कॉटिलेडनरी लीफ जो एम्ब्रियो से डेवलप हो, एम्ब्रियोनिक कंडीशन से डेवलप होने वाली फर्स्ट लीफ। दूसरी होती है स्केल लीफ। स्केल लीफ यानी ड्राई मेम्ब्रेनस लीफ, प्रोटेक्टिव फंक्शन वाली होगी जनरली। थर्ड इज ब्रैक्ट लीफ, फ्लावर के बेस से, स्टेम और फ्लावर के जंक्शन से यानी पेडिसल के नीचे से जब कोई आउटग्रोथ डेवलप हो तब उसे ब्रैक्ट कहा जाता है। यानी अगर ये एक प्लांट, दिस इज फ्लावर, ये इसका पेडिसल, यहां से अगर कोई आउटग्रोथ डेवलप हो रही है तो दीज आउटग्रोथ्स आर नोन एज ब्रैक्ट। सो समटाइम्स ब्रैक्ट्स आर प्रेजेंट इन फ्लावर्स विच आर मॉडिफाइड इनटू लार्ज और कलर्ड स्ट्रक्चर। इस तरह के ब्रैक्ट्स को ब्रैक्ट लीफ कहा जाता है। ब्रैक्ट क्या है? आउटग्रोथ प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ फ्लावर एंड स्टेम, दैट आउटग्रोथ इज नोन एज ब्रैक्ट लीफ। ओके, देन फोर्थ इज फोलियर लीफ। सबसे इंपॉर्टेंट लीफ, सबसे ज्यादा क्वांटिटी में जो लीफ प्लांट में प्रेजेंट होती है वो है फोलियर लीफ। व्हाट इज फोलियर लीफ? ग्रीन कलर्ड फोटोसिंथेटिक लीव्स आर नोन एज फोलियर लीफ। हरे रंग की फोटोसिंथेटिक लीव्स होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? फोलियर लीफ। इन सभी में कॉटिलेडनरी लीव सिर्फ एम्ब्रियोनिक कंडीशन में जर्मिनेशन के बाद डेवलप होती है, नंबर जनरली टू। स्केल लीव्स ड्राई मेम्ब्रेनस, प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। ब्रैक्ट लीव्स फ्लावर और स्टेम के जंक्शन के बीच डेवलप होने वाली लीव। नंबर, शेप, साइज, कलर वेरिएबल। मैक्सिमम जो लीफ प्लांट में आकर करती है वो है ग्रीन फोटोसिंथेटिक लीव्स। इन ग्रीन फोटोसिंथेटिक लीव्स को फोलियर लीव्स कहा जाता है। ग्रीन फोटोसिंथेटिक लीव्स प्रेजेंट ऑन प्लांट्स आर नोन एज फोलियर लीव्स। ओके, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स लीव से रिलेटेड। इसके अलावा फ्लावर्स में पेटल्स एंड सेपल्स आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज मॉडिफाइड लीव्स। नेक्स्ट, एक टिपिकल
एंजियोस्पर्मिक लीफ का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, लीफ के वेरियस पार्ट्स। एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक लीफ का स्ट्रक्चर, एक लीफ के तीन बेसिक पार्ट्स होते हैं। जिस पॉइंट से लीफ स्टेम से अटैच होता है, दिस बेस ऑफ लीफ इज नोन एज हाइपोपोडियम, हाइपोपोडियम और लीफ बेस। Stalk of the leaf is known as mesopodium. Or petiole. And flat green portion of the leaf is known as, ये जो flat broad green portion है, this is known as epipodium. Or लीफ लैमिना। एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक लीव्स में तीन पार्ट होते हैं। अब एक एक करके तीनों पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन हाइपोपोडियम। हाइपोपोडियम इज लीफ बेस, लीफ का बेसल पोर्शन जहां से लीफ स्टेम से अटैच होती है। इट कैन बी नंबर वन सिंपल, ये स्टेम और ये लीफ बेस। अगर लीफ बेस सिंपल स्ट्रक्चर वाला हो, कोई भी आउटग्रोथ या स्वोलन पार्ट ऑब्जर्व नहीं किया जाता, तो उसे सिंपल लीफ बेस कहा जाता है। सेकेंड टाइप इज पल्विनस। पल्विनस मीन्स स्वोलन लीफ बेस। दिस इज स्टॉक, लीव बेस फॉर्म सच स्ट्रक्चर। इस तरह से लीव बेस अगर फूल के मोटा हो जाता है, तो उसे पल्विनस या स्वोलन लीव बेस कहा जाता है। बहुत सारे प्लांट्स में इस तरह का लीव बेस ऑब्जर्व किया जाता है। अब मैंगो की लीफ ऑब्जर्व करना, यू विल सी सच स्वोलन स्ट्रक्चर इन मैंगो लीफ। इन एडिशन इमली, टामारिंड की लीफ में, बबूल, एकेशिया की लीफ में भी स्वोलन स्ट्रक्चर ऑब्जर्व किए जाते हैं। सो मोटा फूला हुआ लीफ बेस पल्विनस लीफ बेस कहलाता है। ठीक है, लेग्यूमिनेसी प्लांट्स के मेंबर में पल्विनस लीफ बेस की वजह से एक मूवमेंट देखा जाता है, दैट इज स्लीपिंग मूवमेंट ऑफ द लीव्स। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व कि बहुत सारे प्लांट्स की लीव्स रात को फोल्ड हो जाती है, सुबह फिर वो खुल जाती है। यानी ये जो स्लीपिंग मूवमेंट है ड्यू टू फोल्डिंग ऑफ लीफ लैमिना, that sleeping movement is known as nictinastic movement. This movement is shown by members of leguminous plants due to pulvinous leaf base. समझ में आया? So in leguminous plants, pulvinous leaf base causes sleeping movement or nictinastic movement. इस sleeping movement को nictinastic movement कहा जाता है, जिसकी वजह से रात के समय lamina बंद हो जाता है। बबूल, इमली, गुलमोहर, देन अमलतास, इन सब की लीव्स रात को फोल्ड हो जाएगी। एक और मूवमेंट ऑब्जर्व किया जाता है, दैट इज टच मी नॉट प्लांट। टच मी नॉट प्लांट या माइमोजा प्यूडिका में द लीफ फोल्ड्स ऑन टचिंग। ऑब्जर्व किया होगा, ये एग्जांपल सुना भी होगा सबने। ये जो फोल्डिंग होती है, ये भी पल्विनस लीफ बेस की वजह से होती है। क्यों होती है, ये मैकेनिज्म अपन पढ़ेंगे इस मूवमेंट के बारे में भी। Mechanism, why leaf folds?
जो मैकेनिज्म है, दिस मैकेनिज्म विल स्टडी व्हेन विल बी स्टडिंग द टॉपिक प्लांट मूवमेंट्स, ये मूवमेंट में पढ़ेंगे। यहाँ अपन को सिर्फ इतना याद रखना है कि ये जो मूवमेंट है लीफ में, ये मूवमेंट पल्विनस लीफ बेस की वजह से ऑब्जर्व किया जाता है। अब मैंगो में भी पल्विनस लीफ बेस है, बट क्या मैंगो की लीव्स फोल्ड होती है? हैव यू सीन मैंगो लीव्स बीइंग फोल्डेड? नहीं, ये सिर्फ लेग्यूमिनेसी फैमिली के मेंबर्स में होती है जिनमें कंपाउंड लीव्स ऑब्जर्व की जाएगी। मैंगो में सिंपल लीफ होती है एंड मैंगो इज नॉट अ मेंबर ऑफ लेग्यूमिनेसी फैमिली। ओके, सो इन एडिशन टू दिस, टच मी नॉट, साइंटिफिक नेम माइमोजा प्यूडिका शोज मूवमेंट ड्यू टू पल्विनस लीफ बेस। माइमोजा प्यूडिका में भी जो मूवमेंट हो रहा है, ये मूवमेंट किस वजह से हो रहा है? पल्विनस लीफ बेस की वजह से हो रहा है। ठीक है, ये है सेकेंड टाइप लीफ बेस का। थर्ड टाइप ऑफ लीफ बेस इज शीथिंग लीफ बेस। लीफ बेस बिकम फ्लैट एंड कवर्स द नोड। अगर ये स्टेम है, ये नोडल रीजन है, नॉर्मली लीफ ऐसे अटैच होगी, बट शीथिंग के कंडीशन में लीफ बेस फ्लैट हो जाएगी और यहां से कवर करते हुए लीफ बाहर निकलेगी। शीथिंग इज लीफ बेस बिकम्स फ्लैट एंड कवर्स द नोड। फ्लैट होकर नोड को कवर करती है। अब इसमें फिर दो कंडीशन ऑब्जर्व की जाती है। पहली कंडीशन एम्प्लेक्सिकल, दिस इज स्टेम, लीफ बेस फ्लैट है, ऐसे डेवलप हो रहा है और इस तरह से पूरे नोड को कवर करके लीफ बाहर निकल रही है। क्लियर, समझ में आया क्या हो रहा है इसमें? लीफ बेस फ्लैट होकर कवर्स द एंटायर नोडल रीजन। अब सिंपल एग्जांपल ग्रास, इफ यू हैव सीन लीफ ऑफ ग्रास, देन द एंटायर नोड इज कवर्ड बाय द लीफ बेस। इस तरह से वो पूरे इस नोड को कवर करके लीफ बाहर निकलती है। ये कंडीशन पाई जाती है ग्रास में, शुगर केन में, मेज में, बैम्बो में, बहुत सारे मेंबर्स, इवन कोकोनट के ट्री में। कोकोनट की अगर कभी गिरी हुई बड़ी सूखी लीफ देखिए तो उसका आगे का पोर्शन ऐसा एक कवरिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जो स्टेम को कवर करती है। When the entire node is covered by leaf base, it is known as emplexical. Example is grass, maize. बहुत सारे पोएसी फैमिली के members. Then second condition, semi-emplexical. Second condition है semi-emplexical. यानी लीफ बेस पूरी तरह से स्टेम को कवर नहीं करती, लीफ बेस पार्शियली कवर्स द स्टेम। दिस इज स्टेम, लीफ यहां से डेवलप होगी, ऐसे कवर करते हुए निकलेगी। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? अगर इसमें लीफ का प्रोडक्शन हो रहा है इस तरह से, तो ये लीफ नोड को पार्शियली कवर कर रही है। थ्री डायमेंशनली इमेजिन करने की कोशिश करो, ये स्टेम है, लीफ यहां से सेंटर से ऐसे बाहर निकलेगी। एम्प्लेक्सिकल में कैसे निकलेगी? बिल्कुल यहां से इसको पूरे को कवर करते हुए बाहर निकलेगी। यहां पर पूरा नोडल रीजन कवर हो रहा है, यहां पर केवल हाफ ऑफ द नोडल रीजन इज कवर्ड, सो इट इज नोन एज सेमी एम्प्लेक्सिकल। दिस कंडीशन इज फाउंड इन बटरकप। साइंटिफिक नेम रैनन्क्यूलस। रैनन्क्यूलस या बटर कप में ये कंडीशन ऑब्जर्व की जाती है जहां लीफ बेस नोड को पार्शियली कवर करती है।
अगर पार्शियली कवर कर रही है तो कंडीशन क्या कहलाएगी? सेमी एम्प्लेक्सिकल. इफ इट इज कंप्लीटली कवर्ड देन द कंडीशन इज एम्प्लेक्सिकल. ओके, दिस इज थर्ड टाइप ऑफ लीफ बेस, दैट इज शीथिंग लीफ बेस. अब शीथिंग लीफ बेस में एक स्पेशल केस और कंडीशन ऑब्जर्व की जाती है, स्पेशली पोएसी फैमिली के मेंबर्स में. पोएसी फैमिली में शीथिंग लीव बेस से एक आउटग्रोथ डेवलप होगी, उस आउटग्रोथ को लिग्यूल कहा जाता है. अगर ये ग्रास की लीफ है तो यहां से एक छोटी सी व्हाइट कलर की आउटग्रोथ डेवलप होती है, दैट आउटग्रोथ इज नोन एज लिग्यूल. लिग्यूल इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोएसी फैमिली. इन पोएसी फैमिली आउटग्रोथ नोन एज लिग्यूल डेवलप्स फ्रॉम लीफ बेस. पोएसी फैमिली के मेंबर में लीफ बेस, शीथिंग लीफ बेस से एक आउटग्रोथ डेवलप होती है, उस आउटग्रोथ को लिग्यूल कहा जाता है. ओके, अब लिग्यूल पे एक और क्वेश्चन आता है. लिग्यूल का स्ट्रक्चर अगर अपन बनाए, लिग्यूल का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है. ये लिग्यूल है जो लीफ बेस से डेवलप होगी. कभी ध्यान से अगर ग्रास की लीफ को देखा है तो उसमें व्हाइट कलर की एक आउटग्रोथ होती है, दैट आउटग्रोथ इज लिग्यूल. इस लिग्यूल का बेसल पोर्शन फूला हुआ स्वोलन होता है. स्वोलन बेसल पोर्शन ऑफ लिग्यूल इज नोन एज ग्लॉसोपोडियम. दिस स्ट्रक्चर इज लिग्यूल. लिग्यूल का बेसल पोर्शन स्वोलन होता है. दिस स्वोलन बेसल पोर्शन ऑफ लिग्यूल इज नोन एज ग्लॉसोपोडियम. एंड दिस लिग्यूल अकर्स इन मेंबर्स ऑफ पोएसी फैमिली. इट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंबर्स ऑफ पोएसी फैमिली. ओके, सो लिग्यूल क्या है? इन पोएसी फैमिली स्मॉल आउटग्रोथ इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लीफ known as ligule. Swollen basal portion of ligule is known as glossopodium. Ligule ka swollen basal portion glossopodium kehlata hai. Theek hai, clear? So, ये तीन कैरेक्टर्स, तीन टाइप के लीफ बेस आकर करते हैं.